demolish the arrow which is going to destroy your peace and joy. आपके मन के अंदर में पाए जाने वाले आनंद को और शांति को नुकसान पहुंचाने वाले इन तीरों को, इन धनुषों को, इन बाणों को और इन भालों को रोकना है। आप अपनी धड़कती छाती पर हाथ रख के पूछें, आप कितने मेंटली टॉर्चर्ड किए जा रहे हैं। नो पीस एट ऑल। आपका अंग्रेजी का 6 नंबर वाला चेहरा बोलता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि पीस नहीं है, जॉय नहीं है। और पीस और जॉय का आधार है नॉन रिपेंटेड लाइफ, पश्चाताप ना किया वाला जीवन, गलतियों को छुपाने वाला जीवन, गलतियों को एंटरटेन्ड करने वाला जीवन, गलतियों को गलती नहीं कहने वाला जीवन, जिसके कारण से आपको धार्मिकता नहीं मिली। तो जब परमेश्वर की धार्मिकता ही नहीं मिली तो शांति कहां से मिलेगी? लिखा है धार्मिकता, मिलाप और शांति जो पवित्र आत्मा से होता है, जो कोई इस रीति से सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको वो शांति देता है, और जो शांति पा लेता है, एक पद पढ़ लीजिएगा इसी रोमियो की किताब में और उसके 16वें अध्याय के 20वें पद को पढ़ लीजिएगा, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 20। जरा देखें वहां क्या लिखा हुआ है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे पीछे बोलिए, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कौन कुचलेगा? हम कुचलेंगे। कौन कुचलवाएगा? परमेश्वर कुचलवाएगा। कब कुचलवाएगा? शीघ्र कुचलवाएगा। किस शर्त पर कुचलवाएगा? शांति का परमेश्वर शांति देने के द्वारा किसको कुचलवाएगा? शैतान को। कोरोना आए, पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए, पांचवा आए, जितना है उतना आए, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। यदि आपके पास में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है तो उसके लिए धार्मिकता लगती है, शांति लगती है और आनंद लगता है। 3 दांते वाली चाबी है ये, हर ताला खुल जाता है इससे, और शैतान भी तुम्हारे पैर के नीचे आ जाता है। अच्छा चलिए बताइए, यदि पैर के नीचे नहीं है तो कहां होगा? अरे सिर में होगा, और क्या होगा? पैर से नहीं कुछ लिए तो सिर में टोपी बन बैठेगा वो, तो डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, व्याकुलता, न काम में मन लगे, न दुआ में मन लगे, न पढ़ने में मन लगे, न इधर मन लगे, न उधर मन लगे, न नींद में आवे। नींद भी आती है तो जबरदस्ती पैर पटकते हैं अपन पलंग में, तखत में। तो आपकी आपकी पलंग से जो म्यूजिक बजती है वो अच्छा संकेत नहीं है। कहीं हाथ पटकेंगे, कहीं पैर पटकेंगे, कहीं फट करेंगे, कहीं फुट करेंगे, कहीं जोर से चादर फेंकेंगे, कहीं चादर ऐसा खींच लेंगे कि ना तुम्हारे पास रहेगी ना बीबी के पास रहेगी, नीचे गिर जाती है। रेस्टलेसनेस, नो पीस। जिनको प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद सुबह तक नहीं आती, 10-20 बार उठ जाते हैं, ये सब परमेश्वर से टूटे रिश्तों का प्रमाण है। हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। खुदा परमेश्वर, परमेश्वर जो है अपने भक्तों को नींद दान में देता है। ज्यादा भी मत सोना, नहीं कामकाज से दिमाग उड़ जाएगा, और कम भी मत सोना। सो हमने कल पूछा था आपको कि आप में से कितने लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, कितने लोगों को बार 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 चौंक के उठ जाते हैं, सपने आते हैं, और फिर 2 बजे जग गई तो 5 बजे तक नहीं आती है, जब स्कूल का टाइम आता है तब आती है।
ठीक है कि नहीं? अब रात भर ठीक से नहीं सोइए तो लेट तो होना ही होना है। इस तरीके से हमारी जिंदगी में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब हम इसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, परंतु बाइबिल का परमेश्वर कहता है, शांति का परमेश्वर तुम्हें शांति देने के द्वारा शैतान को, जो तुम्हारा हमारा दुश्मन है, उसको शीघ्र, इमीडिएटली, टुमारो नहीं, टुडे नहीं, राइट नाउ कुचलवाएगा वो, शांति देने के द्वारा कुचलेंगे हम अपने पैर से। हाथ मत लगाना, बाल है उसके गाल में, गंदा है, बहुत बास करता है, पैर से ही कुचलो। और सुनो, नंगे पैर मत रहना, नहीं कांटा पैर में चुभ गया तो बिस्तर से फिर नाक में जाएगा, जूते पहन के। तो जूता क्या है? मेल का जूता है। अब तुम्हारी तो बीबी से खटी पड़ी हुई है तो जूता तो है ही नहीं है, मेल का जूता पहन लो, मेल नहीं रे, मेल द शूज ऑफ यूनिटी। किसी भी व्यक्ति से यदि आपका रिश्ता कहीं भी टूट गया है तो आपका जूता फट गया, और यदि शैतान के सिर में मारिए तो दो चार बाल आपको रात भर तकलीफ देने वाले हैं। जूता पहन लो, राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड द राइट रिलेशनशिप विद द पीपल। कई लोग अपने परमेश्वर से सही रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु मनुष्यों के साथ रिश्ता टूटा ही टूटा रहता है, सैकड़ों के साथ में। तो फटे जूते से यदि आपने सामने वाले को किकआउट किया तो वो आधा आउट होगा, आधा इन हो जाएगा, और फिर वो तकलीफ देते रहेगा।